जब कोई इंसान किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है तो उसे तीन सोर्सेज का सहारा लेने की सलाह दी जाती है, साइकेट्रिक मेडिकेशन, CBT और साइकोथेरेपी। साइकेट्रिक मेडिकेशन यूज़ की जाती है सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स और ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में जहाँ CBT और साइकोथेरेपी काम नहीं करती। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CBT के बारे में। CBT क्या है, इसमें क्या होता है और ये ह्यूमन माइंड पर कैसे काम करती है, तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। CBT को सारी साइकोथेरेपी में मेन माना जाता है और इसीलिए मोस्टली साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट मेडिकल इलनेस क्योर करने के लिए CBT का यूज़ करते हैं। CBT को सेशंस में डिवाइड किया जाता है। एक सेशन ऑलमोस्ट 40 मिनट से एक घंटे तक का हो सकता है। चलिए देखते हैं CBT में क्या होता है और ये कैसे काम करती है। CBT में C यानी कॉग्निटिव या कॉग्निशन यानी हमारे सोचने समझने का तरीका या हमारे आसपास की चीज़ों को परसीव करने की एबिलिटी। हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं, फिर हमारे सेंसरी ऑर्गन्स वो सब इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में लेकर जाते हैं। उन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर होता है, हमारे इमोशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी ऐसे इंसान को देख रहे हैं जिसे हम पसंद नहीं करते, तो उसको देखकर हमारे अंदर निगेटिव थाट्स आते हैं और उन निगेटिव थाट्स की वजह से हमारा बिहेवियर निगेटिव हो जाता है, हमारे इमोशंस निगेटिव हो जाते हैं। और ये निगेटिविटी ही डिप्रेशन, एन्जाइटी, OCD, GAD, एगोराफोबिया जैसी बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जन्म दे देती है। CBT का यूज़ किया जाता है उन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जहाँ इंसान को ये तो पता होता है कि उसमें कोई मेंटल प्रॉब्लम है, पर ये कन्फर्म नहीं होता कि वो कौन सी मेंटल प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो CBT की मदद से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान की जाती है और उसके रॉन्ग बिलीफ को उससे दूर करने की कोशिश की जाती है। CBT क्या करती है, वो जो निगेटिव परसेप्शन की वजह से हमारे थॉट्स निगेटिव हो गए थे और वो निगेटिव थॉट्स जन्म दे रहे थे हमारे निगेटिव बिहेवियर को, निगेटिव इमोशन को, CBT इस साइकिल को तोड़ देती है। इस निगेटिव थॉट का और इस निगेटिव बिहेवियर का जो साइकिल चलता जा रहा है उसको CBT तोड़ने का काम करती है। अब जब निगेटिव परसेप्शन ही नहीं हो रहा है तो निगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आएंगे ही नहीं, और अगर निगेटिव थॉट हमारे माइंड में नहीं आएंगे तो हमारे निगेटिव इमोशन और निगेटिव बिहेवियर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं जिससे ये कंडीशन समझने में आपको मदद मिल सके। आप एक रिलेशनशिप में, आप अपने लवर से मिलने जाते हो और उस दिन आपके लवर का मूड अच्छा नहीं है या फिर वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में है जो आपसे शेयर नहीं कर सकता, जिस वजह से वो आपको इग्नोर कर देता है। ऐसी सिचुएशन में इंसान के माइंड में दो तरह के थॉट्स आ सकते हैं। पहला थॉट होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव थॉट में वो सोचेगा इस सिचुएशन की पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, लाइक उसने मुझे इग्नोर किया यानी उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या उसे इस टाइम मेरी ज़रूरत है और वो अपनी प्रॉब्लम उससे शेयर नहीं कर पा रहा है। निगेटिव थॉट्स में उसके माइंड में वो सब आएगा जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं होता, जैसे उसने मुझे इग्नोर किया, शायद अब हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा, शायद उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, वगैरह वगैरह। मोस्टली लोगों के माइंड में ये निगेटिव थॉट ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। अब ये हुआ एक निगेटिव थॉट। इस निगेटिव थॉट की वजह से हमारा माइंड आसपास की निगेटिविटी पर ही फोकस करने लग जाता है। जैसे अब आप घर पहुँचे और बाय चांस आपकी फैमिली मेम्बर कुछ काम कर रहे थे या उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ आपका दूसरा निगेटिव थॉट पैदा हो जाएगा। अब उस इंसान के माइंड में बहुत सारे डिस्टॉर्टेड थॉट्स आने लग जाते हैं, जैसे सब लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता या किसी के लाइफ में मेरी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसे निगेटिव थॉट्स की एक चेन बन जाती है, एक साइकिल बन जाता है और इसी चेन को तोड़ने का काम CBT करती है। अगर हम ध्यान दें तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे इवेंट हमारी डेली लाइफ में होते ही रहते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको पॉजिटिवली परसीव करने वाले हैं या निगेटिवली। जो लोग इन इवेंट्स को निगेटिवली परसीव करते हैं उनके माइंड में बहुत सारे डिस्टॉर्टेड बिलीफ्स, बहुत सारे डिस्टॉर्टेड थॉट्स आ जाते हैं और वो अपने लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स की एक साइकिल तैयार कर लेते हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। CBT में हम क्या करते हैं, मेरी किसी के लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है,
मैं कुछ नहीं कर सकता जैसे बहुत सारे डिस्टॉर्टेड बिलीफ को बदलने का काम करते हैं। देखते हैं सीबीटी के अंदर होता क्या है। सीबीटी में पास्ट को लेकर ज़्यादा बात नहीं की जाती। इसका कनेक्शन सीधा इसी बात से होता है कि वो इंसान प्रेजेंट में क्या सोच रहा है, प्रेजेंट में क्या सा फील कर रहा है। सिचुएशन को समझने के लिए सिर्फ पास्ट में हुए थोड़े से बुरे एक्सपीरियंस की बात कर ली जाती है, लेकिन ज़्यादा गहराई में पास्ट के बारे में नहीं देखा जाता। सीबीटी में इंसान के माइंड से इन डिस्टॉर्टेड बिलीव्स को हटाकर उसका नज़रिया बदलने की कोशिश की जाती है। सीबीटी में थेरेपिस्ट क्लाइंट की प्रेजेंट सोच और मेंटल स्टेट को समझते हैं और उनके कम्युनिकेशन पैटर्न पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद क्लाइंट को किसी भी एक इवेंट के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है, यानी उसे एक सिचुएशन को फील करने के लिए कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो अभी उस कंडीशन में है। और फिर ये देखा जाता है कि वो उस इवेंट पर या उस कंडीशन में पहुंचने पर क्या सोचता है, क्या बिलीफ रखता है या फिर कैसे रिएक्ट करता है। उसके बिलीफ डिस्टॉर्टेड होते हैं, उसका बिहेवियर और उसके इमोशंस निगेटिव होते हैं, इसलिए अभी उसी सेम फेक कंडीशन में उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट थेरेपिस्ट उसे बताता है और उसको भी वैसा ही सोचने के लिए कहा जाता है। इसी तरह उसके डिस्टॉर्टेड बिलीफ्स और निगेटिव थॉट्स को बदलने की कोशिश की जाती है और उसे ये बताया जाता है कि कैसे उसके परसेप्शन में थोड़ा सा चेंज लाने से उसकी लाइफ की निगेटिविटी और उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कितनी आसानी से उससे दूर हो सकते हैं। यही एक सिंपल सी प्रोसेस होती है सीबीटी के अंदर। अब बात आती है कि सीबीटी के कितने सेशंस कितने टाइम तक लेने पड़ते हैं और एक सेशन की ड्यूरेशन क्या होती है। तो ये सब डिपेंड करता है उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की सीरियसनेस पर। अब वो इंसान थेरेपी में कितना कॉप कर पा रहा है, कितना एक्सेप्ट कर पा रहा है वो नई चीज़ों को, नई थॉट प्रोसेस को। इसके अलावा थेरेपिस्ट की स्किल्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं इस टाइम के लिए। ओवरऑल एक क्लाइंट को हर वीक एक या फिर दो सेशन लेने पड़ते हैं जो कि ऑलमोस्ट एक घंटे तक चलते हैं और ये सीबीटी थेरेपी आपकी 5 महीने से 6 महीने तक कंटिन्यू रहती है। सीबीटी एक काफ़ी इफेक्टिव थेरेपी है जिसका इफेक्ट क्लाइंट 3 या 4 सेशन में ही देख सकता है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में सीबीटी का यूज़ करके ट्रीटमेंट करना मेड्स का यूज़ करके ट्रीटमेंट करने से बेहतर साबित होता है। पर फिर भी जब कोई सीरियस मेंटल प्रॉब्लम हो तो लास्ट ऑप्शन साइकोथेरेपी प्लस मेडिसिन ही बचता है। सीबीटी के अलावा और भी काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल थेरेपी मौजूद हैं जिनका यूज़ किया जाता है अलग अलग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। जैसे कुछ थेरेपी हैं इंटरपर्सनल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी और साइकोडायनेमिक थेरेपी। हमें उम्मीद है आपको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की प्रोसेस समझ आ गई होगी और ये समझ आ गया होगा कि कैसे सीबीटी का यूज़ इंसान की निगेटिव थॉट प्रोसेस को ठीक करने के लिए किया जाता है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइकोलॉजी क्लासेस को, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी वीडियोज़। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।